लोग हमें ना ऐसे नज़रों से देख रहे जैसे हम कोई आठवें अजूबे नहीं आए हुए। अगर आप बैचलर का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं, आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन उसके लिए इस यूनिवर्सिटी में ना फॉरनर जो हैं बहुत कम है मेरे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का रमज़ान, आज का रोज़ा थोड़ा सा ठंडा है और मेरे साथ हैं मिस्टर सलाम। और आज हम ना अनोखी जगह पे अफ्तारी करने आए हैं और हम हैं इस वक्त लोंगडोंग शे, मतलब लोंगडोंग यूनिवर्सिटी में। ये है जी इस शहर की अकलौती यूनिवर्सिटी, यानी इस हमारे शहर में ना ये एक ही यूनिवर्सिटी है। तो भैया हमने डिसाइड किया क्यों ना यहाँ जाया जाए मुस्लिम कैंटीन में, वहाँ पे अफ्तारी की जाए। अगर वहाँ पे हमें कोई मुसलमान भी मिल जाए, यार जाहिर ही बात है यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में मुस्लिम कैंटीन है तो मुसलमान तो होने चाहिए, हैं कि नहीं? हाँ ये बात सही है। तो जाते हैं और देखते हैं। यार ऐसा है ना, यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है और कैंटीन जो है वो आखिरी पीछे कोने में बनाई हुई है। अलग जाने इतने कोने में बनाने की क्या वजह होती है। वैसे अभी तक ये जो है ना पौधे ग्रीन नहीं हुए, अभी तक स्प्रिंग नहीं आया, यहाँ पे सर्दी है इसलिए, लेकिन फिर भी सीन मज़े का बना हुआ है। अब सोचना ये है कि ये लोग ना 6 बजे खाना खा लेते हैं, मतलब कैंटीन जो है वो 6 बजे होती है, एंड देन अभी हो रहे हैं 7, और 7 बजे तक भला जाने खाना बचा होगा कि नहीं, क्योंकि चाइनीज़ हैं और जल्दी खाते हैं और जल्दी सो जाते हैं, और हम नज़ारी बात है हम जल्दी आ नहीं सकते थे। आ भी जाते तो अफ्तारी क्या करते, रोज़ा तो 7 के बाद खुलना है। अब कैंटीनें जो हैं यहाँ पे 2-3-4 हैं और उनमें से ना मुस्लिम, ये मुस्लिम कैंटीन जो है इस बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग की पहले जो 2 फ्लोर है वो मुस्लिम नहीं है, वो हलाल नहीं है। हलाल वाला जो है वो है 3rd फ्लोर। अभी हमें जाना पड़ेगा 3rd फ्लोर पे। अब खाने में ना बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये सारा हलाल है और खाने में जो हैं चॉइसेस हैं काफ़ी सारी हमारे पास। अगर हम इनमें से चूज़ करें, क्या खाना है पिछले? कोई आइडिया नहीं। कोई गोश्त वोश लेता है? गोश्त वाला कौन सा है? वो है। हाँ ये मतलब ये भी कंफ्यूजन है यार, लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते। न्यूरो। टाइम कितना रह गया? मतलब कहीं साइड पे बैठते हैं यार, वो पीछे बैठ के जाके, कौन सी वाले? वो पीछे, ये खुद लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। वो पीछे कोने में बैठते हैं, उधर पीछे। इस यूनिवर्सिटी में ना फॉरनर जो हैं बहुत कम है मेरे ख्याल में। गिने चुने कोई हैं वो उज़्बक और रशियन है, और उज़्बक और रशियन है तो इसलिए लोग हमें ना ऐसे नज़रों से देख रहे जैसे हम कोई आठवें अजूबे नहीं आए हुए इस यूनिवर्सिटी में। एक यहाँ से घूर रहा है, एक वहाँ से घूर रहा है। वैसे ना है शक वाली बात, ये हलाल तो है, लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं हलाल है कि नहीं, समझ नहीं आती। इसीलिए हमने ना अवॉइड किया है चिकन और गोश्त वोश्त अवॉइड किया है, और हमने लिए नूडल्स और डम्पलिंग जो है वो हम घर से अपने साथ ले आए थे। हमें लोकेशन चाहिए था, हमें खाना नहीं चाहिए था। तो नया एक्सपीरियंस, गोश्त हम नहीं खा रहे, हम सिर्फ खाएंगे नूडल्स यहाँ से। टाइम बिल्कुल पूरा है और ये खाना बनाने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। अब ये कैंटीन है, इस तरफ देखें लोग, ये सामने जो लड़कियाँ हैं ना, लड़कियाँ जो हैं हमारी तरफ ऐसे आंखें निकाल के देख रही हैं जैसे हमने इनका ना कुछ चोरी कर दिया है। यार अजीब को कि यार हमने उसको कहा है 2 किस्म के हमें नूडल्स दे, उसने ना दोनों एक ही किस्म की 2 प्लेटें दे दी। अब ये इतनी बड़ी प्लेट इसने हमारे हाथ में थमा दी है, और इस तरह की एक और है, अब 2 कौन खाएगा? ये वैसे डम्पलिंग है जो हम साथ लाए थे, इस बॉटल में चाय है, इसमें पानी है, और ये साथ में योगर्ट है। और हम ना फुल एंजॉय वाले मूड में आए थे, और अभी जो है ना रश बनती जा रही है। अब मुझे यहाँ पे ना मुसलमान कोई नज़र आ नहीं रहा, वैसे तो कैंटीन मुसलमानों की है लेकिन नज़र मुझे मुसलमान कोई नहीं आ रहा, रश इतनी ज़्यादा बनी हुई है। रोज़े का जो टाइम है वो तकरीबन पूरा है, बिस्मिल्लाह करते हैं और फिर बात करते हैं। हमसे ना ये एक प्लेट भी नूडल की ख़त्म नहीं हो रही, अपने डम्पलिंग हमने खा लिए और नूडल हमसे ख़त्म नहीं हो रहे। और चाइनीज़ जो है ना ऐसे खा रहे हैं, जालिम के बच्चे, ये देख मुंह में उसने प्याला घुसाया हुआ है। काफ़ी दुनिया आई हुई है, इधर उधर उधर सारे बैठे हुए खा रहे हैं, और हमसे तो भाई अफ्तारी के टाइम पे खाना खाने नहीं होता। ये एक प्लेट हमने नूडल मंगवाया था और वो भी हमसे पूरा नहीं खाने हुआ, और दूसरा प्लेट जो है हमने वहाँ से वापस कर दिया क्योंकि दोनों एक जैसे हमें दे दिए थे। शुक्र है लिए ही नहीं, हमसे एक ख़त्म नहीं हो रहा, वो हमें 2 दे रहा था। अभी बाहर निकलते हैं, खाना वाना हमने खा लिया है, बस एक्सपीरियंस करना था खाना क्या खाना था,
बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं, आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी कैसी है। लेट्स गो ब्रो, गो गो गो। चाय बाहर ही पियेंगे मना ऐसे बोतल के साथ। चाय ना हम इसमें लाए थे चाय, ये चेक करो, पूरे निज़ाम के साथ आए हुए हम, खाली नहीं आए हुए। अच्छा मुस्लिम कैंटीन जो है वो भरी हुई है और नॉन मुस्लिम कैंटीन जो है वो खाली हो गई है। नॉन मुस्लिम जल्दी खा के चलेंगे और जो मुस्लिम कैंटीन में मेरे ख्याल में कुछ थोड़े बहुत मुसलमान मैंने देखे हैं, उज़्बेकिस्तान वाले, वो आए हुए हैं और बाकी चाइनीज़ में तो समझ नहीं आता मुसलमान हैं या क्या हैं। चलो बाहर जाते हैं अब। ओए मज़ा आ गया यार, ज़िंदगी में कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है मतलब पब्लिक एरिए में ऐसे किसी गैर मुल्क में जा के कहीं अजनबी जगह पे खाना खाना और फिर स्पेशल थिंग के बाहर रोड पे ना चाय पीना और चाय भी स्पेशल किसी कप में पीना। ये देखो अभी भी इसमें से भाप जा रही है और गरम गरम चाय पीने का अपना ही मज़ा है। अब मैं आपको दिखाऊँ अगर यूनिवर्सिटी, तो वैसे काफ़ी अंधेरा हो गया, दूसरी तरफ नहीं जा सकते, लेकिन ये प्ले ग्राउंड है, यहाँ पर ये सारे ग्राउंड जो हैं बास्केटबॉल के, और इस तरफ बैडमिंटन भी लगा हुआ है। चाइनीज़ की मुझे एक बात अच्छी लगती है कि चाइनीज़ हमेशा एक गेम पे फोकस करते हैं, हमेशा एक गेम पे फोकस करते हैं ना, मतलब हमारी तरह नहीं है कि हर गेम खेलें, सिर्फ एक गेम पे फोकस करते हैं और उस पर एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब ये खाला जो है ना रोड पे पता नहीं क्या बेच रही है, ओह लिपस्टिक और वाटर बॉटल और फ्लावर्स और क्या क्या बेच रही है। हाँ यहाँ पे टोपियाँ और ज्वेलरीज और बहुत कुछ बिक रहा है। वैसे काफ़ी टाइम से हम घूम रहे हैं यहाँ पे और यूनिवर्सिटी का ना सीन अच्छा है, मतलब यहाँ पे खेलने की जगह काफ़ी हैं, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, मतलब हर स्पोर्ट्स का जो ना वो कोर्ट बना हुआ है। मैं बहुत पहले एक बार आया था, वो भी अली भाई के साथ, अली भाई यहाँ पे पढ़ाते हैं और मैं उनके साथ आया था, लेकिन उसके बाद आ जाया हूँ। तो ये अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हैं इसमें। अगर आप बैचलर का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपके पास HSK4 होना लाजमी है। अगर आपके पास HSK4 है तो रابطہ करें मुझसे, मैं करवाऊँगा आपका एडमिशन। इसी बात के साथ हम आज की वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं आपको कल।